हाल ही में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से मोबाइल टैरिफ बढ़ाने के बाद सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मिले थे। बीएसएनएल देश में सबसे किफायती रिचार्ज प्लान की पेशकश कर रही है। इसी वजह से नए सब्सक्राइबर्स बीएसएनएल की सर्विस में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी नए सब्सक्राइबर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए देश में 4G सर्विस शुरू करने के लिए तेजी से काम कर रही है। ग्रामीण भारत में अभी भी बहुत से लोग हैं जो फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएसएनएल ने इन यूजर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके बाद से रिलायंस जियो के पसीने छूटते हुए देख सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीएसएनएल का 4G फोन जियो के फोन से सस्ता हो सकता है। रिलायंस जियो ने अगस्त 2017 में अपना पहला 4G फीचर फोन जियो फोन लॉन्च किया था। लॉन्च के कुछ समय बाद ही जियो फोन देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला फीचर फोन बन गया था। इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय एप्स अवेलेबल होने से इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जियो ने फीचर फोन मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए पिछले साल जियो फोन प्रीमा को लॉन्च किया। नए मॉडल के लॉन्च होने से भारत में 4G फीचर के जो मार्केट है उसको विकास करने के लिए इससे मदद मिली है। तेजी से बढ़ते 4G फीचर फोन बाजार में बिक रहे हैं, उसको देखते हुए बीएसएनएल भी इस सेगमेंट में उतरने को तैयार है। बीएसएनएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत 4G कंपेनियन पॉलिसी के तहत एक एक्सक्लूसिव 4G मोबाइल हैंडसेट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये नया हैंडसेट जियो भारत 4G फीचर फोन को टक्कर देगा और बहुत ही किफायती दाम पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रदान करेगा। बीएसएनएल के इस हैंडसेट के साथ यूजर्स को बीएसएनएल 4G सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए महंगे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी। बीएसएनएल ने 4G हैंडसेट के लिए कार्बन मोबाइल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बीएसएनएल और कार्बन मोबाइल मिलकर एक एक्सक्लूसिव सिम हैंडसेट पेश करेंगे। इसे भारत 4G कंपेनियन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया जाएगा। बीएसएनएल ने कहा है कि देश के हर एक कोने में किफायती 4G कनेक्टिविटी अवेलेबल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसएनएल किफायती रिचार्ज प्लान, नई सर्विस के साथ यूजर्स को बेटर सेवाएं देने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इसके तहत बीएसएनएल ने स्पैम कॉल की जो मोबाइल फ्री नेटवर्क है उसके लिए AI और ML संचारित समाधान को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम से कंपनी की सर्विस क्वालिटी और ज्यादा बेटर होगी। बीएसएनएल ने हाल ही में अपने 4G नेटवर्क को शुरू करना स्टार्ट किया है और वर्तमान में बीएसएनएल 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो नया फोन लॉन्च होने वाला है वो कितना किफायती होगा और लोग कितना उसे यूज करने वाले हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।